So hello my dear friends, welcome you all once again to the first live channel of an India on the government services for all aspirants. So friends, आप सभी का स्वागत है और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आज हम जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज दैट वन शुड नीड टू क्वालिफाई फॉर द FSB, SSB और NSB। यहाँ पे हमने FSB को इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि कई सारे लोगों ने हमसे FSB रिलेटेड डाउट्स पूछे थे, तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ FSB को इंक्लूड किया है। पर आप इसी सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए SSB और NSB को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए होंगी अपने प्रोफेशनल करियर को डिफेंस लाइफ में बनाने के लिए, साथ ही साथ में आपको फिजिकल फिटनेस किस तरीके की चाहिए होगी एंड मच मोर। सो यू नीड टू वॉच द वीडियो टिल एंड टू गेट टू नो अबाउट ऑल दिस डिटेल। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिटेल प्लान्स एंड द स्ट्रेटजीज एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दैट यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द FSB, SSB और NSB। सो ट्यून विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू इन दिस वीडियो। So let's move further into the video. Before that, I would like to tell you that if you are the newcomers to our channel and you have not subscribed our channel till yet, then do subscribe our channel whose name is Government Crackers, because we are uploading these type of interesting video on the regular basis and you will be benefited by it and get to know about all our new videos update. So do also press the notification and bell icon button. So now, without wasting any time, move further into the video and let's know about all the details of the FSP and what are the strategies and the plan that you need to qualify it. So friends, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा government crackers के ऊपर SSB, NSB और FSB के लिए crash course in running procedure है, जिसमें हम regular basis पे आप सभी के लिए free में ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे उस क्रैश कोर्स के थ्रू कि आप SSB, NSB और FSB को क्वालिफाई कर पाएँ। तो उसी क्रैश कोर्स के रिलेवेंस में ही ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो जो उस क्रैश कोर्स का है, हमने सोचा कि आप सभी के साथ इस स्ट्रेटजी को हम भी डिटेल में डिस्कस करें कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से उस कोर्स का बेनिफिट एट एन ऑप्टिमम लेवल तक उठा पाए। तो अब जानते हैं पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को। सो द फर्स्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज दैट इज FSB इज नथिंग बट द SSB फॉर द एयरफोर्स। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जब भी हम अपनी वीडियोस में SSB को एड्रेस करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये AFSB के लिए रिलेवेंस में नहीं है या फिर SSB के लिए रिलेवेंस में नहीं है, बट दैट इज नॉट द ट्रू, बिकॉज द SSB ऑफ द एयरफोर्स इज itself known as AFSB. Just नाम इसमें चेंज है, बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो SSB में होता है और क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर होता है, चाहे आप नेवी में जाएँ, चाहे आप SSB में जाएँ, चाहे AFSB में जाएँ। थोड़ा सा प्रोसीजर में चेंज हो सकता है कि कोई दिन में कंडक्ट कराता है, कोई शाम को कंडक्ट में कराता है, बट दैट्स ऑल। बस इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं होता, सबका सिलेक्शन प्रोसीजर और क्राइटेरिया सेम ही होता है। नाउ AFSB stands for the Air Force Selection Board is most significant and the crucial interview process which you need to prepare for the seriously. जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में आप सभी को ये बताया था क्रैश कोर्स के, कि सबसे बड़ी गलती सब ये करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे एक एक्सपीरियंस गेन करके आ जाएंगे, तो FSB, SSB और NSB इज नॉट अ प्लेस टू विजिट एंड गेन एन एक्सपीरियंस, बट इट इज़ अ प्लेस टू गेट सेलेक्टेड and be an elite student of the forces and serve into the forces for the country. तो ये कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं और इसके लिए आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम जा कर के एक्सपीरियंस गेन करेंगे और चीज़ों को वहाँ पर मज़े लेंगे।
तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जा करके घूमें, बल्कि आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर करके वहाँ पर जाना चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिपीट होते हैं तो फिर आपके थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज FSB स्टैंड फॉर द FO सेलेक्शन बोर्ड एंड हैज द 4 सेलेक्शन सेंटर्स। तो ऑल ओवर इंडिया दे आर हैविंग द 4 सेलेक्शन सेंटर इन विच यू वन विल ऑप्ट द वन विच इज नियरेस्ट फॉर यू, एंड दैट इज 1 FSB देहरादून, 2 FSB मैसूर, 3 FSB गांधीनगर एंड 4 FSB वाराणसी। नाउ दीज आर द 4 सेंटर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। Now the next point is in the list is that in order to get commission as an Air Force officer, you have to give your SSB at one of these centers. So you need to be there in one of the center for your commission as an Air Force officer into the FSB. Next procedure is a procedure to evaluate your personality traits to determine whether you are suitable for the officer in an IAF or not. So SSB or AFSB या NSB एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसके बारे में कई सारे मिथ फैलाए गए हैं, और साथ ही साथ में इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि स्टूडेंट्स अब ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल डिमांड क्या है और वहाँ पर वो दे क्या रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मिसकंसेप्शन, जो एक बैरियर पैदा हुआ है जिसकी वजह से जो सिलेक्शन रेट है वो ओनली लेस देन 3% स्टूडेंट का हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, और हम गवर्नमेंट क्वैकर्स की जो टीम है ये इसी मिसकॉन्सेप्शन को हटाने की कोशिश कर रही है और ट्रू फैक्ट्स आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रही है। और आपको सबसे पहले कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल डिमांड क्या है और आप उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपको लेस से लेस एफर्ट यूज़ करना पड़े और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। नेक्स्ट इज इवन द कैंडिडेट विद द एवरेज IQ कैन क्लियर द FSB। और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को वो यहाँ पर लिया जाता है और बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरीके का भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप अपने दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट, एवरेज IQ लेवल के स्टूडेंट्स को भी सेलेक्ट किया जाता है, बस उनका कुछ ट्रेट होता है जो कि लोग समझ नहीं पाते और उसके बाद फिर अपने ही मिसकॉन्सेप्शन, अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और आप जा करके एज इट इज़ उसे परफॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस इन द फर्दर, सो लेट्स डू टेस्ट दिस थिंग। सो द सेल्फ असेसमेंट इज द ओनली की टू गेट सेलेक्टेड इन FSB, SSB और द NSB। गवर्नमेंट क्रैकर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, नो बडी अदर देन यू नो योर सेल्फ बेस्ट। सो वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज इट इज़ नॉट द टेस्ट फॉर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या एजुकेशन इज मस्ट, बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो आप एक जेंटलमैन कैडेट नहीं बन सकते, आप एक वेल रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बन सकते। तो एजुकेशन से इनडायरेक्ट वे में आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत है और आपको बहुत कुछ आना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब देने तभी आपका सिलेक्शन होगा। इवन दो जो एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका बेसिक अपीयरेंस देखा जाता है, साथ ही साथ में आपका ये देखा जाता है कि आप वेल बिहेव एक वेल सिटीज़न बन सकते हैं कि नहीं, और फोर्स में फिट हो सकते हैं कि नहीं, आपके बिहेवियरल टेस्ट होता है। और यहाँ पर यही सबका मिसकंसेप्शन है कि सब अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और आप जाकर के उनके एक्सपीरियंस को एज इट इज़ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रू नेचर इवॉल्व नहीं हो पाता है, आपका ट्रू नेचर वहाँ पर रिवील नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से ये रीज़न बनता है आपका आपके। अब यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फॉर द रिपीटर्स एंड फॉर दोज हु विल गेट रिकमेंडेड बट दे विल गेट मेरिट आउट, ओके, एंड दोज हु आर गॉन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोचिंग, ये सब उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। आप प्लीज़ इस बात को बुरा मत मानिएगा, पर
एक्चुअल ट्रू फैक्ट्स यही है कि जब आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तभी आपसे गलतियाँ होती हैं। आपको वहाँ स्मार्ट बनना नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी स्मार्टनेस दिखाएं। वहाँ पर आपको अपने ट्रू फैक्ट्स और आपकी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करना होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कोचिंग लेकर के जाते हैं वो ये स्मार्टनेस दिखाने की वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो ब्लफ कर देंगे आपके सामने, जो भी आपका टेस्ट ले रहा होगा, जो कंडक्ट कर रहा होगा, आप उसे फूल बना देंगे। तो वो आपको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जो आपके सामने जो एसेसर है वो ऑलमोस्ट 25 टू 30 ईयर से यही एक्सपीरियंस कर रहा है। कितने ही सारे कैंडिडेट्स उसने रिकमेंड किए होंगे, कितने सारों को रिजेक्ट किया होगा। हर दूसरा कैंडिडेट आपकी तरह ही सोचता है, हर दूसरा कैंडिडेट आपसे अच्छे जवाब भी देता है और आप उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक बेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से आप सबका रिजेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि आप वहाँ जाकर किसी तरीके की कोई स्मार्टनेस दिखाएंगे, क्योंकि आपको स्मार्टनेस नहीं, हमको एक ऑर्डिनरी और एक वेल बिहेव सिटीज़न चाहिए, ना कि हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाता हो। तो यहाँ पर आपका स्मार्टनेस से मेरा ये मतलब था। तो आप इसको किसी तरीके के नेगेटिव पॉइंट में ना लेकर के इससे एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकालें कि आपको अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखा करके आपको अपना एजुकेशनल लेवल वहाँ पर दिखाना है, आपको वेल बिहेव्ड रहना है और एक मैनर्ड सिटीज़न की तरह बिहेव करना है, जिससे आप एज ए नेचुरल आउटपुट दे पाएँ अपना और आप एज एन इंडिविजुअल देखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता होगा। नो बडी एल्स नो बेटर देन यू। So friends, one of the main reason why candidate do not clear the FSB interview is due to the lack of the self-evaluation. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट FSB, SSB या NSB में अपीयर होने जा रहे हैं, उनका जो मेन रीज़न रहता है सेलेक्ट ना होने का, वो होता है कि वो अपने बारे में ही नहीं चीज़ें को लेकर के क्लियर होते हैं और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल उनसे ऐसे नहीं पूछा जाता है, और लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं और जब बेसिक से क्वेश्चन उनसे रिलेटेड ही उनके बारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आप कहीं से इसके बारे में पढ़ नहीं सकते जब तक आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल नहीं जानते होंगे कि आप हैं कौन। तो जब आप अपने आप को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो बाकी चीज़ें आपसे पूछने का कोई फर्दर मीनिंग ही नहीं बनता है। तो इसीलिए SSB डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप वो पढ़ करके जाते हैं जो कि आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पर आप वो नहीं पढ़ करके जाते हैं जो आपसे रियलिटी में वहाँ पूछा जाता है। सो दैट इज़ द मिथ दैट वी आर ब्रेकिंग हेयर, दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। सो वॉट डिड यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ इज दैट इज You need to know about yourself, like your own likes, dislike, strength, weakness, achievement, etc. without much doubt. So, your like, dislike, strength, weakness and achievement cannot be the someone having the same one. So, one cannot have the same type of likes, dislikes, strength, weakness, achievement. So, जो लोग आपको अपने experience बताते हैं कि हम गए थे तो ये हुआ था, हम गए थे तो वो हुआ था, तो उनकी अपनी लाइक्स है, उनकी अपनी डिसलाइक है, उनके अपने स्ट्रेंथ है, उनके अपने वीकनेस और अचीवमेंट्स हैं, तो आप उनको कैसे कॉपी कर सकते हैं? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें तो मैच करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी और आप वहाँ पर डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज आस्किंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट वॉट दे थिंक ऑफ यू एंड राइट इट ऑल डाउन। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे सारे पीपल्स जिनसे आप ऑलमोस्ट सराउंडेड रहते हैं, आप उनसे अपने बारे में अपने व्यूज़ के पूछिए और जानिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके माइंड में एक क्लियर करेगा, एक पर्सपेक्टिव बनाने में कि आप एक्चुअल में कैसे हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑनेस्टी माइंडसेट एंड हाउ यू परसीव थिंग्स इन लाइफ विल बी एनालाइज्ड ड्यूरिंग द साइकोलॉजिस्ट टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी ऑनेस्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना माइंडसेट हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखेंगे और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आप एज एन प्रॉब्लम लेते हैं या उनको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे, या फिर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या फिर आप उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ बीइंग टेस्टेड इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन योर पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड सी द चेंजेस। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं,
आप चाह करके 1 वीक अपने ऊपर काम करिए और अपने बारे में जानिए और फिर आप SSB के सारे प्रोसीजर्स को एज एन हमारे चैनल के ऊपर जो कोर्सेज चलेंगे उन पे आप जा करके टेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एयर हिज दैट इज कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली फिट। अब यहाँ पर एक बात यह आ जाती है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं होते। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर द फिजिकल फिटनेस, बिकॉज अगर आपका एक एम है डिफेंस एस्पिरेंट बनने का तो फिजिकल फिटनेस आपकी होनी ही चाहिए और फिजिकल फिटनेस इज मस्ट। सो वॉट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज दैट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एक्सेट्रा रिक्वायर्ड यू टू बी फिजिकली फिट। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज वाइल प्रिपेयरिंग अप फॉर द FSP इंटरव्यू यू ऑल्सो नीड टू परफॉर्म बेसिक एक्सरसाइज टू डेवलप स्टेमिना एंड एंड्योरेंस लेवल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस ओवरऑल पे डेवलपमेंट पे वो फोकस नहीं करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के सेलेक्ट ना होने का, क्योंकि आपको एज एन ओवरऑल बेस्ट परफॉर्म करना है, ना कि आपको इंडिविजुअली एक ही टास्क में परफॉर्म करना है जो कि आपका एकेडमिक से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज फॉर दैट यू कैन रन और प्ले सम आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल क्रिकेट एक्सेट्रा और नॉट ओनली बी मोर एक्टिव बट ऑल्सो डेवलप टीम स्पिरिट एंड द कॉपरेटिव एबिलिटीज। आपको ऐसे इंडिविजुअल गेम ना खेल करके कुछ कॉपरेटिव गेम खेलने चाहिए आउटडोर में, जिससे आपका फिजिकल लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ ही साथ में आपने एक्टिवनेस आएगी और साथ ही साथ में आप कुछ टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन लेवल, कॉपरेटिवनेस, ये सब चीज़ें आप सीख जाएंगे जो कि डिफेंस लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इज फॉलो प्रॉपर शेड्यूल। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए और शेड्यूल से रिलेटेड कई सारे लोगों ने डाउट पूछा है, तो शेड्यूल से रिलेटेड मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे, पर आपको एक अपना खुद का प्रॉपर शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग। अब यहाँ पर स्टोरी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप स्टोरी राइटिंग परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते तो आपको फर्दर इवैल्यूएशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे फर्स्ट डे ही। तो इसीलिए आपका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस स्टोरी राइटिंग में होना चाहिए। ड्यूरिंग द पिक्चर परसेप्शन टेस्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ स्टोरी ऑफ अबाउट 70 वर्ड्स इन जस्ट 4 मिनट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टोरी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको बहुत कम दिया जाता है, ऑलमोस्ट 4 मिनट दिया जाता है, पर आपकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 3.5 मिनट की होनी चाहिए। टेक आउटलाइन मॉक टेस्ट फॉर दिस एज वेल एज प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, साथ ही साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आपको किसी तरीके का मॉक टेस्ट करना है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर जा करके इस टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं, या आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आप सभी के लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। डिस्कस टेस्ट। अब यहाँ पर डिस्कशन टेस्ट जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने स्टोरी तो लिख दी, नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपको उसे नरेट भी करना है। द होल प्रोसेस ऑफ द स्टोरी राइटिंग एंड देन डिस्कसिंग इज टर्म एज द PPDT। सो यहाँ पर आपका पिक्चर परसेप्शन देखा जाता है जो आपका PP का फुल फॉर्म है, और DT का यहाँ मतलब हो जाता है डिस्कशन टेस्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपकी देखी जाती हैं कि आपने कैसा परसीव किया और कैसा आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ में ही आपको सिमिलैरिटी दिखानी होती है, और दोनों चीज़ के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो हम एडिशनल वीडियोस बना करके चीज़ें आगे कोर्स में आपको क्लियर और कर देंगे। नेक्स्ट चीज़, आफ्टर नरेटिंग योर स्टोरी इंडिविजुअली यू नीड टू स्टार्ट अप द ग्रुप डिस्कशन एंड कंक्लूड द कॉमन स्टोरी ऑल टुगेदर। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको झगड़ा करना है और ज़बरदस्ती आपको स्टार्ट ही करना है, और अगर इवन दो आप स्टार्ट नहीं कर पाए तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको एज एन कंक्लूसिव पॉइंट आपको देने हैं और मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको रखने हैं, और ग्रुप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, साथ ही साथ में आपको स्टार्टिंग और क्लोजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए जो एक आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। टू स्कोर वेल इन द PPDT वन नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड होन अप टू देयर कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, स्टेज डेयरिंग, इनिशिएटिव एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। सो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो जनरली वहाँ पर चेक की जाती हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑन योर लॉजिकल रीजनिंग एंड वोकैबलरीज। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
So perfecting your vocabulary is not really achievable within just 1 month, especially if you are weak in English. अगर आपकी English weak है तो आप vocabularies को within 1 month develop नहीं कर सकते. आपको regular basis पे कुछ readings करनी चाहिए और कुछ नए words आपको अपने लैंग्वेज में जोड़ने चाहिए और उनसे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए. जस्ट ट्राई टू रीड द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एज मनी एज पॉसिबल एंड रिव्यू देम रेगुलरली. यू कैन इवन वॉच वीडियोज टू ग्रैप न्यू वर्ड क्विकली. नेक्स्ट थिंग इज योर OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रैंक टेस्ट इज ऑल अबाउट द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. सो वॉट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू keep in mind is that you need to thoroughly prepare for the question on the series completion, placement of the dots, figures, embedded Venn diagram, odd figures and one out. So PPDT और OIR का जो भी हमने syllabus है उसके relevance में video पहले ही upload कर दिया. आप जा करके वहाँ पर आराम से अपने doubt को clear कर सकते हैं. Next is that given test to know the pattern and the complexity of these tests and prepare accordingly. You need to be prepared very well for the quantitative aptitude and reasoning section. So ye kuch important point hai aapke OIR se related. Ab kuch communication skills se related baat kar lete hain. This is very important part of the FSB. Whole procedure of an ASB depend upon your communication skill. Jitni achhi aapki communication skill hogi, utna hi aapke chances honge ki aap in ho jayenge. Kyunki aapka interview ho, aapka GTO task ho, aapka command task ho, aapka स्क्रीन इन हो, सब जगह आपका नरेशन देखा जाएगा. तो आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि आपका नरेटिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल इन ऑर्डर टू स्पीक अ लार्ज ग्रुप इन डिस्कशन इन अ पर्सनल इंटरव्यू एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद योर ग्रुप मेट्स. नेक्स्ट थिंग इज सिंस FSB रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द सोशल अडैप्टेबिलिटी, हैंस यू मस्ट बी गुड इनफ इन इंटरेक्टिंग विद द अदर एंड कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज टू देम. यू मस्ट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो अगर आपको फिर भी किसी तरीके की कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम इनसे रिलेटेड भी चीज़ें आप सभी के लिए अपडेट करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज एयरफोर्स अवेयरनेस. अब अगर आप FSB के लिए जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एयरफोर्स अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आपको आर्मी रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए. और अगर आप नेवल्स के लिए जा रहे हैं तो आपको नेवी रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए. यू नीड टू नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द एयरफोर्स लाइक कमांड, रैंक, एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल. तो यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो आर्मी और नेवी के लिए भी लागू होती है. यानी आपको अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको कमांड, रैंक्स और एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बारे में पता होना चाहिए. नेवी के लिए जा रहे हैं तो आपको शिप्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनके कमांड और रैंक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. सेम थिंग गोज फॉर द आर्मी ऑल्सो. इफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज एन एयरफोर्स देन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इन मच ग्रेटर डिटेल. अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड डिफेंस रिलेटेड है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप मैच्योर्ड आंसर देंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से एज कम्पेयर टू सम सिविलियन स्टूडेंट्स आप ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे. डोंट फॉरगेट टू रीड अबाउट द रीसेंट डिफेंस डिटेल्स एंड डील्स एंड द अपग्रेडेशन दैट इज बीन डन. नेक्स्ट थिंग इज these are the few things you need to start preparing for improving your chance at the FSB, NSB or an SSB. Next thing is remember practice makes everybody perfect, hence keeping practicing will fulfill your dedication. Next thing is time management, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा work करने की ज़रूरत है. क्योंकि time management एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कितनी भी अच्छी चीज़ कितना भी अच्छा prepare कर लें, लेकिन अगर आपका time management skill ही नहीं अच्छा है तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे कर नहीं पाएंगे. क्योंकि वहाँ पे आपके पास वॉच नहीं होती है और आपको हर चीज़ आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि ऑलमोस्ट कितना टाइम बचा है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड प्रैक्टिस ऑल दीज स्टेप्स इन योर डे टू डे लाइफ. यू कैन इन्वॉल्व योर फ्रेंड एंड सोसाइटी एज वेल. ऑल यू नीड टू डू इज टू फॉलो ऑल दीज थिंग पंचुअली एंड डेडिकेटेडली. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टिप्स. Read books for the general knowledge to improve your IQ level. If you are already read newspaper regularly, you will be pretty much updated about the current affair. You need to go through the main national and international news of the last year. No need to go into detail, but general information about these things is must.
Next thing is that is the FSP first strategy, that is the 2020 revealed. So score 200 plus, score high, strategy for all section, and the section wise marks distribution. For that you need to subscribe our channel, because we are going to upload a crash course on this. So you can join that crash course, and we are going to provide you the basic materials for that. So you do not need to go anywhere, and you will find all the materials on the Government Crackers channel, as well as you can prepare with us so that you can score 200 and plus, so you can clear your written, as well as we are helping you through crash course to clear your AFSB, SSB or NSB as well. So for that, today's that all, subscribe to our channel Government Crackers and be the part of Government Crackers family, because we are uploading these type of essential video for you at every interval of time. So for today, that's all. Thank you, friends.